आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं, ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं, आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना हाथ की यस या नो, जो भी आपने मैं पूछूंगा आपसे, ये आपके लिए है, ये आपके लिए, सब सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, आपके पास भी रहेगा एक, हाँ जी मेरे पास भी रहेगा सर। ओके, तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है, आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं, बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता ना कि चप्पल टूट गई हो, ऐसे कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल। आपकी भी हील टूटी थी जी? तो भगवान ने तो आपको इन बिल्ड हील दे के भेजा है, आप आप ना हील पहना करें, पता क्यों? क्यों? कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आप आपके नीचे आगे आदमी मर सकता है, कितनी ऊंचाई से गिरेगी। अलाया आपके साथ कहाँ हुआ था ये? मेरे साथ तो कई बार हुआ है, होता ही रहता है एक्चुअली। अच्छा हाँ, तो चेक करो मेरा हील जो है, नहीं मेरा हील टूटता ही रहता है। तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियां? लंबा दिखना है ना मुझे। पर मैं सोचता हूँ यार कितना मुश्किल होता है, hats off to you guys, मतलब आप हील पहन के चलना, मतलब अभी मैं इमेजिन करूं कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी, चलिए तो हाँ। चला ही नहीं जाता, हेलो हाय हाय, कोई पीछे बुला ले हाय। कुबरा आपके साथ कहां हुआ था ये? मुझे याद नहीं है मगर टूटी जरूर है 100%। चकी सर आपके साथ? मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था, नहीं, तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ। मैं जूतों की बात कर रहा हूँ, रामायण के लिए गया था लाल किला में। अच्छा। तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे, जूते निकालने पड़ेंगे। अच्छा। मेरे जूते चोरी हो गए, मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया। अरे नए खरीद लेता। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मतलब क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, जैसे उबासी आ रही हो यॉनिंग तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे, ऐसे कभी हुआ? फिर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी आपके साथ नहीं हुआ? It's very normal and natural to yawn. हम नाटक क्यों करेंगे? मैं यॉन करती हूँ। आदमी कभी कभी करता है ना कि अरे यार मैं ऐसी नाटक नहीं करता। लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कभी गौर से देखना सैफ सर, जो डॉग्स होते हैं yeah. अगर आप आवाज करना कोई, अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? आप मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना, ठीक है? कुत्ते एकदम से करते हैं, पता? अच्छा मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की। आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगता है फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे जो भी। कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए, वो जाते जाते कर पता नहीं चलता ऐसे भाग रहा है। अच्छा ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया बहुत लकी है, आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी। Oh, आपको आते हैं लेकिन ऐसे रोज आते हैं, रोज आते हैं। हाँ हाँ, आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें? हैं? मैं उनको ही भेज देता हूँ ऑफिस। गुड वन। सेप्स नहीं आते हैं मुझे। हाँ। अच्छा आप आगे फॉरवर्ड करते हैं? एक बार किया था। क्यों? अच्छा शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब। नहीं नहीं कुछ तो होगा, नहीं, होगा। मैंने सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए, मैं करता हूँ आगे। तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया, बोले मैं अपनी माँ को भेजा, उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया। तो मैं उसके बाद नहीं किया। oh God. कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो? आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो? नहीं इनफैक्ट तबू आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं, वो बड़े हाँ। प्रैंकस्टर हैं हमारी हाँ। इंडस्ट्री के, तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया? अरे मैं क्या है, मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना, तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं। आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट यू नो, सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया। आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ सर? नहीं नहीं। अला आपके साथ? मैं आई एम श्योर हुआ होगा, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल। लोग मुझे डराते बहुत है। क्यों? मैं इजीली डर जाती हूँ। लो
आपने तो वेपन दे दिया अब इसको. नहीं नहीं कोई वेपन वेपन वाली बात नहीं, पर किस चीज से डर लगता है आपको? हर चीज से. मोहब्बत से. जी नहीं, मोहब्बत से डर नहीं लगता है. जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है. मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता प्रीता जी इंसान. कर लो बेटा, कर लो, कर लो. अच्छा, अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने. आपने किए अजय सर के साथ? अच्छा, ही डिजर्व्स इट. अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल 1 में किया था. क्या? इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया, सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है. तो सब लोग गए उधर, वाइन पी दबा के, खाना खाया दबा के सबने. और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था. अच्छा नहीं लगता है ना, मैं सीनियर हूँ तो मैं बाथरूम चला गया. ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए. तो मैं बाथरूम से निकला, अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा. मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए, यार वो तेरे साथ वो गैंग था उस, तो उसने मुझे पकड़ा. फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए ये सब. फिर साजिद खान, साजिद नडियाडवाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया. पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते. थी नहीं पैसे. आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वियर्ड सपना आया. क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हम उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं. अच्छा. मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे. कल रात. मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली. अभी पिछले दिनों एक सपना आया कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी. पता नहीं क्यों हुआ. और मैं सपने में रो रहा हूँ. मैं कहा माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को. वो फट भी सकता है सिलेंडर. हाँ, एक बार हमेशा गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए उसका ऐसे सपने आए. मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं, ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे, तो मैंने कहा आप उतरो मैं खुद चली जाऊंगी. तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते हैं आपको बहुत पैसा आने वाला है. नहीं, रियली रियली. और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है. लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपने ना निकली हो कहीं. तबू जी, आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं. एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ. अच्छा. हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ, एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स. अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूँ क्या? हाँ, प्लीज सर. हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में, तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला. तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में और एक एयर होस्टेस थी, वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर दी ओनली वन. आई सेड नो वेट. सो आई सेड आई एम दी ओनली वन. ऐसे तो पहले हुआ नहीं. सो आई केम इन, आई वाज वॉकिंग ऑन द टारमैक, तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने. तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं फ़ोटो खींच रहा था प्लेन का कि आई एम, पहली बार हुआ ऐसे यार. और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे. और वो बोल, उसका मतलब था कि यू आर द ओनली वन लेफ्ट. आई स्वेयर इट्स नॉट अ जोक. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.